it's for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so very good evening guys वेलकम बैक टू आर चैनल फीन वेस और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं गौरव देवली सबसे पहले हमने जो है नाइनटीन अप्रैल टू थाउन्न ट्वेंटी वन के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया उनकी हम बात कर लेंगे उसके बाद देखिए मैं जो आपको फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स देता हूँ उनका भी रिव्यू करेंगे सब चीज़ का रिव्यू करेंगे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि बीच में मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आप मिस कर देते हैं और आपका जो है प्रॉफिट होते होते रह जाता है सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं अपलोड करता हूँ सारे जो भी हमारे प्रूफ होते स्क्रीन शॉट होते हैं वहीं मैं अपलोड करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है कोई भी न्यूज होती है या फिर स्टॉक जो है क्या करने वाला है कुछ चेंजेस हैं सब चीज मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं मॉर्निंग में फोर टू सेवन की रेंज में स्टॉक्स पाना जो इनका मतलब मान लीजिए मिनिमम टेन पॉइंट्स का गेन आपका रहता है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट का गेन अब आप अगर आप 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और थाउजेंड की इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दुगना लगा सकते हैं 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में और 10.400 पॉइंट फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में यानी कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं मिनिमम थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट आपका डेली का अर्न होता ही है तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं शुरू करते हैं पहले नाइनटीन अप्रैल के लिए जो हमने आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है सबसे पहले हमारा बीबीटीसी आप इसे बाय करके चलेंगे ये बात ध्यान से सुनिएगा इसका जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा अलेवन हंड्रेड नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव जो रुपये आप इसे बाय करेंगे एक्जेक्ट एलेवन हंड्रेड नाइनटी सेवन रुपये से बाइनिंग करेंगे टारगेट रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड टू ट्वेल्ल हंड्रेड टेन और ट्वेल्ल हंड्रेड एटीन का स्टॉपलस रहेगा आपका इलेवन हंड्रेड एटीन सेवन यानी कि इलेवन हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट फाइव जो रुपये आप अपना स्टॉपलस लगाएंगे एक्जेक्ट इसीलिए अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे और जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हुआ अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पर इससे क्या होगा आपने जो ऑन किया है वो आपसे जाएगा नहीं शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1186 हंड्रेड एटी सिक्स यानी कि इलेवन एटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा इलेवन हंड्रेड एटी वन इलेवन हंड्रेड सेवेंटी टू और इलेवन हंड्रेड्रेड सिक्स सिक्स का रहेगा आपका 1196 सिक्स का इलेवन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स यानी कि हंड्रेड नाइनटीटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पे अपना स्टॉपलेस लगाएंगे एक्जेक्ट इस वैल्यू पे भी आपका लॉस नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्या होता है इस, इस वैल्यू पे होल्ड लेने के बाद स्टॉक ऊपर या नीचे चला जाता है इस चीज का ध्यान रखिएगा अब मैं आपको बीच में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ जो स्टॉक्स हमने आपको प्रीवियसली प्रोवाइड किए थे फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे उन सबका मैं रिव्यू दे देता हूँ सबसे पहला स्टॉक था हमारा ए टी जी एल ए टी जी एल की मैं बात करूँ स्टॉक जो था गैप अप ओपन हो गया था इसके कारण इसमें कोई ट्रेड नहीं हो पाई अब हमारा रूल है कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन तो ग्यारह बजे के अंदर अंदर उसको गैप रिफिल करना पड़ता है गैप रिफिल कैसे करेगा जिससे तो मान लीजिए ये बाइंग प्राइस है और ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस है तो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा फिर दोबारा जब लेवल ब्रेकआउट करेगा तब आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर वो बाइंग प्राइस पर ही होल्ड लेगा बाइंग या शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे दोनों तरफ यही ज अप्लाई होती है बाइंग प्राइस या शॉर्ट सेलिंग प्राइस पर ही होल्ड लेगा तो दो मिनट का होल्ड उसे बहुत जरूरी है लेना दो मिनट के होल्ड के बाद ही आप उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं तो ये चीज इसमें नहीं देखने को मिली तो इस स्टॉक को हमने छोड़ दिया था ग्रेसिम की मैं बात करूं ग्रेसिम हमें बाय करके चलना था इसका जो यहाँ पे लेवल था इसे बाय में बायना था और हमारा लास्ट टारगेट प्राइस था थर्टीन हंड्रेड और इसने अपना हाई भी थर्टीन हंड्रेड एटी का ही बनाया था तो अगला स्टॉक था हमारा दलमिया भारत जो मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल जैसा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल में ये स्टॉक मैंने दिया था इसने अच्छा बहुत अच्छा मतलब हमने जो उम्मीद करी थी वैसा आपने इसने रिटर्न नहीं दिया बाई साइड की कॉल ही नहीं लगी शॉर्ट सर्किट की कॉल लगी तो स्टॉप लॉस हिट हुआ दोबारा लगी एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो गया दो मतलब दो बार इसमें एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ एट दी एंड में जाकर इसने हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव करे बट वो कोई भी वैल्यू नहीं रखते जब स्टॉक जो है यहाँ तक तो एट दी मतलब मार्केट के बंद होने होने तक तो ये फ्लैट मार्केट पर वर्क कर रहा था तो अगला था हमारा आई सी आई सी आई लैमबोर्ड जिसे हमने आपको बाय करने के लिए बोला था एक्जैक्ट थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी सेवन पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी सेवन पर हमने इसे बाय करने को बोला था और हमारा लास्ट टारगेट प्राइस था फोर्टीन हंड्रेड थर्टी का हालांकि फोर्टीन हंड्रेड थर्टी तक तो ये नहीं पहुँचा बट हमारा सेकंड टैगेट प्राइस था फोटीन हंड्रेड ट्वेंटी का या फिर फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन समथिंग ऐसे हमारा जो लास्ट टारगेट प्राइस था इसने इजीली अचीव कर लिया था तो और दो बार हमारी कॉल भी एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे दोबारा से कॉल हुई यानी कि दो बार आपने इसे बाय कर सकते थे अगर आपने करा होगा तो जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होता है दो तीन तीन तक ही करिएगा चार चौथे बार में छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टॉक पर जान ही नहीं बचेगी तब तक तो दो तीन बार अगर लेवल ब्रेकआउट होता है बाय या शॉर्ट सेलिंग सेट का दो तीन बार आप बाय और शॉर्ट सेल कर सकते हैं मैं बात कर लेता हूं फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए थे सबसे पहला था हमारा भारत फोर्ट भारत फोर्ट की मैं बात करूँ इसमें हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिला हमें से बाय करके चलना था फाइव पे इस लेवल पर हमेशा बाय करके चलना था इसको जरा मैं हटा दूँ तो यहां तक इसने अपना हाई बनाया है फाइव का सेवेंटी से नाइन्टी आप लगा सकते हैं एट्टीन पॉइंट्स का गेन मिला डायरेक्ट ये ऊपर बढ़ा है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ गई उसमें अगला था हमारा जेके लक्ष्मी जेके लक्ष्मी में हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग साइड का जो है एस हिट हो गया था बट उसी समय हमारी बाइक की कॉल लगी और बाइक की कॉल लगते ही इसने जो है हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजली अचीव कर दिए इसमें हमें अच्छा खासा मतलब आप लगा लीजिए ट्वेल्व पॉइंट्स का, ट्वेल का गेन मिला ट्वेल पॉइंट्स अब मैं देखिए फोर की रेंज में स्टॉक है ट्वेल पॉइंट्स का गेन है अगर आपने थ्री या फिर फोर हंड्रेड भी स्टॉक्स बाय कर लिए होंगे तो आपका ईजिली 4000 का प्रॉफिट तो इजीली था 4000 से भी ज्यादा ही था बट फाइव थाउजेंड के करीब करीब आपका प्रॉफिट हो सकता था तो अब अगर स्टॉक आप देखिए अगर आप फिफ्टी स्टॉक्स खरीदते हैं टेन 10, हंड्रेड स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप ट्रेडिंग में सिर्फ इतना कमा रहे हैं जितना आप ब्रोकर को दे सकें यह बात ध्यान रखिएगा अगर आप इंटरडे में कमा रहे हैं, तो आपको बल्क में खरीदना पड़ता है छोटे स्टॉक्स में जैसे फोर हंड्रेड की रेंज में तो फोर हंड्रेड स्टॉक्स खरीद लिए फाइव हंड्रेड स्टॉक्स खरीद लिए तभी आपका प्रॉफिट अच्छा होता है वरना अगर फोर हंड्रेड की रेंज में भी स्टॉक है और आप छोटे शेयर बाय कर रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं होता है फोर फिफ्टी सेवन पर हमें इसे बाय करके चलना था इस लेवल पे बाय करके चलना था और इसने अपना हाई बनाया है फोर हंड्रेड सिक्सटी एट का यानी कि टेन पॉइंट्स का गेन इसमें मिल गया था फोर हंड्रेड सेवेंटी टू का हमारा लास्ट टारगेट प्राइस था टेन पॉइंट्स का गेन मिल गया अभी मैंने आपको समझाया था कैसे आपको शेयर्स बाय करने पड़ते हो तो अच्छा खासा रिजल्ट इसमें भी देखने को मिलता है मैं मिनिमम बोलता ही हूं कि मिनिमम टेन पॉइंट्स का गेन आपको मिलता ही है मैक्सिमम का प्लस मिल जाता है यू पी एल की मैं बात करूं इसमें हमारा अच्छा, यही जो स्टॉक था हमारा अच्छा नहीं रहा बाकी सारे स्टॉक्स हमारे अच्छे रहे यहाँ हमारा शॉर्ट सेलिंग का जो था थाल हिट हुआ बाई साइड में हमारा खाली एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया बाकी टाटा केमिकल्स में बात करूँ इसने तो काफी अच्छा ही रिटर्न दिया है सेवन हंड्रेड फिफ्टी फोर पर हमें बाय करके चलना था इसने अपना हाई बनाया है सेवन हंड्रेड सेवनटी टू का लगा सकते हैं फिफ्टी फोर से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एट कैडिलैक की मैं बात करूं कैडिलैक में भी हमारा अच्छा रिटर्न था कैडिलैक हमें बाय करके चलना था 508 पे एट मैं मार्क कर देता हूं 508 पे हमें से बाय करके कर चलना था और इसने अपना हाई बनाया है 528 का यानी कि 20 पॉइंट्स का गेन आपको इजीली कैडिलैक में मिल गया था और आपने इजीली देखिए अप ट्रेंड में था यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि आपको कोई भी फेयर आए कि मैं जो है स्टॉक को छोड़ू मार्केट पॉजिटिव था कंटिन्यूअसली बढ़ा 28 तक गया तो इजीली 20 पॉइंट्स का गेन कर लिया होगा 500 के स्टॉक है तो 400 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड की रेंज में आपने शेयर्स बाय किए होंगे तो अच्छा खासा आपको 20 पॉइंट्स अब लगा सकते हैं आप 10,000 12,000 का प्रॉफिट हो सकता है देखिए बल्क में करना पड़ता है छोटे शेयर्स में बाय चलिए अब अब मैं आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ वो है हमारा अडानी इंटरप्राइजेस आकर स्टॉक की बात कर रहा था अब बाय करके चलेंगे यही सेम रूल फॉलो होंगे लेवल ब्रेकआउट होगा 1165 पे टारगेट रहेगा 1170, 1180, 1190 एलेवन हंड्रेड रखा एलेवन हंड्रेड रहेगा एलेवन का लेवल्स कैसे ब्रेकआउट होंगे वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया अब मैं आपको समझा देता हूँ अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और डाउन ट्रेंड में है तो पहला स्टॉक तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप बाई साइड का ये चीज़ आपको समझ आएगी जब आप करोगे और शॉर्ट सेलिंग की साइड है यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ है और अप ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ोगे शॉर्ट सेलिंग का ये चीज़ ध्यान रखिएगा बाकी जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा उतनी बार आप बाय कर ही सकते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पहला मिनट छोड़ेंगे आप ट्रेडिंग का यानी कि नाइन सिक्सटीन से अपने ट्रेड लेना शुरू करेंगे नाइन फिफ्टीन पर जो मार्केट ओपन होता है एक मिनट का आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे चाहे लेवल आपका ब्रेक हो रहा हो या ना हो रहा हो इस स्टॉक को छोड़ेंगे एक मिनट तक फ्लक्चुएट करने देंगे उसके बाद ही अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट स्लिंग का लेवल रहेगा एवन टारगेट रहेगा इलेवन हंड्रेड फोर्टी का और स्टॉप स्टॉपलेस रहेगा आपका इलेवन का ही मैंने बता दिया है आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ